नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिव्यांशु आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्पॉटलाइट जिस पर हम आपके साथ टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं और आज इन्हीं टॉपर्स में से एक सुमन सौरभ, जिनको म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट मिली है और जिन्होंने 253 रैंक हासिल करी है, आज हम इनकी सक्सेस जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा हमारे सभी श्रोतागण अच्छे तरीके से इनकी स्ट्रेटेजी को समझेंगे और अंडरस्टैंडिंग व्याप्त करेंगे। हेलो सुमन, कैसे हैं आप? ठीक सर। तो कैसा लग रहा है आपको सिलेक्ट होके? पहले बात तो ये, सबसे पहले सर बहुत खुशी हो रही है सिलेक्ट होने के बाद, और पेरेंट्स खुश हैं तो इससे ज्यादा खुशी है। ओके, अगर हम बात करें आपकी, बेसिकली आपकी बैकग्राउंड की, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आप आते कहां से हैं, बेसिकली किस जिले से बिहार के आप आते हैं और आपकी कैसे कैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है और अभी आप कहां पे, कहां से आपने ग्रेजुएशन करी, अपनी क्या क्या किया हुआ है, उसके बारे में हमारे श्रोतागण को बताएं। सर मैं बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट के झाझा एरिया से आती हूँ और मैंने अपनी 10th की पढ़ाई झाझा से ही की है। Okay. और 12th की पढ़ाई मैंने डेलिव स्कूल गाजियाबाद यूपी से किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में ख़त्म किया था। उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन 2021 से शुरू की थी। ओके, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं सपोज, तो एक राइट टाइम क्या है स्टूडेंट्स की तैयारी करने का? आपको क्या लगता है कि जब बच्चा ग्रेजुएशन में होता है तो किस साल से उसको अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए? बेसिकली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शुरू की थी प्रिपरेशन, बट अगर अगर टाइम मैनेजेबल हो तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी प्रिपरेशन शुरू की जा सकती है। उससे उनको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि वो पहले से ही उनका बेसिक्स क्लियर रहता है और फिर वो आगे उस पर बिल्डअप कर सकते हैं एग्जाम के लिए। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि आपने अपनी तैयारी करी, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी, आपने पोस्ट भी हासिल करी अपनी, क्या कुछ रुकावटें, क्या कुछ बीच में डिमोटिवेशन आपके जीवन में आया और अगर आया तो कैसे आपने उसको कैटर किया, ये हमारे श्रोतागण को बताएं आप। सर बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो डिसिप्लिन था कि इनिशियली क्या था कि 2020 में कोविड के टाइम में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। ऑनलाइन कोचिंग लेने की वजह से मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाती थी, जिस वजह से थोड़ा सा मुझे बैकलॉग्स हो जाता था कि वीडियोस इकट्ठे होते जा रहे हैं, मैं कंप्लीट नहीं कर पाती थी। तो फिर उसको डील करने के लिए फिर मैंने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाया कि मैं कैसे जल्दी से ख़त्म कर सकूँ ताकि मैं सेल्फ स्टडी भी कर सकूँ। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था। और उसके अलावा अगर फेलियर्स आते हैं, अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो उस टाइप भी सेल्फ डाउट आता है कि हम सही कर तो रहे हैं या फिर हमारी स्ट्रैटेजी गलत तो नहीं है, तो ये थोड़ा सा लगता था। फिर अभी लगता है कि सब वर्थ इट था, मतलब जितना भी मैंने मतलब स्ट्रगल किया है वो जरूरी था। अभी इसके मतलब ये सक्सेस जो अभी थोड़ी सी मिली है, जितना भी मैंने स्ट्रगल किया है वो उसके लायक था। मतलब अच्छा, तो कैसे स्कैटर करते थे आप? कभी डीमोटिवेशन आया तो कौन मोटिवेट करता था आपको, किसका योगदान आप समझते? मेनली तो मेरी मम्मी और पापा से बात होती थी तो वो लोग काफी मोटिवेट करते थे, और मेरे कुछ गिने चुने फ्रेंड्स थे, बहुत सारे तो नहीं बट 2-3 ऐसे थे जो काफी हेल्प करते थे, और इन केस कभी लो फील हुआ तो वो थोड़ा बूस्ट अप कर देते थे। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी तैयारी को लेकर सबसे पहले, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? पहले प्री और मेंस को एक साथ लेकर आपने तैयारी करी या पहले सिर्फ प्री के लिए फोकस किया फिर मेंस पे गए, तो आपकी अप्रोच क्या रही और हमारे एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी तैयारी बेस्ट हो सकती है, किस तरीके से वो स्टार्ट करें? जितना मतलब मैंने जो प्रिपेयर किया था, मैं यूपीएससी का पढ़ रही थी एक्चुअली, तो मैंने पहले मेंस का किया क्योंकि मेंस का आप जब प्री लिखने वाले हो तो उससे पहले आपका मेंस का एक बेसिक पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि मेंस प्री और मेंस के पीछे बहुत कम समय मिलता है हमें। तो फिर हाँ, और प्री के मैंने 2-3 महीने पहले प्रॉपर प्री ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू कर दी थी और फिर प्री क्लियर हुआ, उसके बाद फिर मेंस की पढ़ाई की और उसके बाद फिर इंटरव्यू का। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने पेपर को पूरे साल की तैयारी में बांटें तो जब प्री का एग्जाम हो तो उससे पहले आप प्री फोकस्ड हो गए थे और उससे पहले फिर आप नॉर्मल प्री और मेंस को साथ लेकर चल रहे थे और जैसे प्री का एग्जाम होता है फिर आपने मेंस को तैयार किया, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपने अपनाई अपनी लाइफ में। यस सर। ओके, फाइन। अच्छा, अगर हम बात करें आपके, बात करते हैं बुक्स लिस्ट की,
तो कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट आपने फॉलो की है प्री और मेंस में जो हमारे एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकती है? बिहार, अगर बीपीएससी की बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्र की एक बुक आती है केबीसी नैनो की, वो मैंने फॉलो की थी। और इसके अलावा बेसिक बुक्स जो सारे सब्जेक्ट्स के लिए होती है, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीज, और इकोनॉमी के लिए मैंने कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे। और बाकी साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये सारा तो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही था। और न्यूज़पेपर और मैगजीन, ये सारी चीजें मैंने फॉलो की थी। कौन से न्यूज़पेपर आप फॉलो किया करते थे और न्यूज़पेपर को पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी? सर, मैं द हिंदू पढ़ती थी, ओके और मेरा मैक्सिमम फोकस ये रहता था कि जो एडिटोरियल्स हो, अगर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो एडिटोरियल्स तो कंप्लीट करने ही है एनी हाउ, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और उसके अलावा जो मेजर हेडलाइंस होते हैं, जो हम जीएस रिलेट कर सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स पढ़ती थी। अच्छा, मैंने देखा है अक्सर हमारे जो फॉलो एस्पिरेंट्स वर्कशॉप में क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें क्वेश्चन ये आता है, सर न्यूज़पेपर देखा कि आपसे, जैसे आपका इंटरव्यू इन्होंने सुना, मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर को रिकमेंड किया, तो बहुत सारे बच्चे हिंदी सही, मीडियम के भी तैयारी स्टार्ट करने से पहले ही, जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखा जाता है कि 2 या 2.5 घंटे अपने एडिटोरियल में वो बर्बाद कर दे रहे हैं, कभी उसकी हिंदी लिख रहे हैं, कभी इंग्लिश लिख रहे हैं। तो कैसे बच्चा कैटर करे, अगर आपके अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या जरूरत है हिंदू पढ़ने की, या किसी और पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को पढ़ के भी वो अपनी काम चला सकता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर बेसिकली इंग्लिश मीडियम के लिए तो न्यूज़पेपर आई थिंक सही रहेगा अगर वो पढ़ते हैं तो। और अगर इनके न्यूज़पेपर स्किप करना चाह रहे हैं तो वो कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स फॉलो कर सकते हैं न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए, तो कोई वो भी सही रहेगा कोचिंग के कि मैगजीन। शुरुआत में बच्चे 2.5 घंटे स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, क्या सही अप्रोच है पहले जनरल स्टडीज पे कमांड की जाए उसके बाद फिर न्यूज़पेपर को एक्सेस किया जाए? सर न्यूज़पेपर मैंने तो शुरू से ही पढ़ाई की थी, वैसे न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ती थी, बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो बेटर ये रहेगा कि वो पहले सिलेबस देख ले अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े देख ले, और फिर थोड़ा सा, मतलब होता ना, 2-3 मंथ्स का प्रिपरेशन कर ले बेसिक्स का, ताकि उसको एक आइडिया लग जाए कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो राइट right. ये कर सकते हैं। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के एक आइडिया लग सकता है कि कौन से टॉपिक्स एडिटोरियल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बेसिकली, यस सर, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें आपके एक तरीके से मॉक टेस्ट आपने दिए नहीं दिए अपनी तैयारी के दरमियान? सर मैंने यूपीएससी के लिए दिए थे एक्चुअली, बीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली नहीं दिया था अच्छा, तो। यस जैसे सर, आप यूपीएससी की तैयारी आपने करी है और हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, कैसे एक साथ तैयारी की जा सकती है आपके अकॉर्डिंग? सर एक साथ, क्योंकि दोनों का अभी जो बीपीएससी के पैटर्न में चेंज आया है 2 साल, लास्ट 2 ईयर के पेपर को देखा जाए तो अभी बीपीएससी में आप सिर्फ एक्स्ट्रा बिहार के लिए पढ़ते हो, बाकी चीज़ें सेम होती है। तो आप पहले जो सेम चीज़ें होती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारा आप इकट्ठे तैयार कर लो, और उसके बाद फिर बिहार स्पेशल आप मेंस के टाइम पढ़ सकते हो। जो प्री क्लियर हो जाए तो आप मेंस के टाइम पढ़ सकते हो उसको। अच्छा, तो मतलब इस तरीके से कैटर किया जा सकता है, यूपीएससी हाँ यस सर, और बीपीएससी साथ लेके चल सकते हैं एस्पिरेंट अगर चाहते हैं तो। हाँ यस सर, अगर वो, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है बीपीएससी का वो काफी करंट ओरिएंटेड हो गया है, तो जो बच्चा यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है वो आराम से बीपीएससी का प्रीलिम्स निकाल सकता है, और मेंस निकालने के लिए आपको थोड़ा बिहार के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो वो आप मेंस वाले टाइम में पढ़ सकते हो। जी अच्छा, अगर हम देखें जैसे आप का ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स आपने लिया था आई थिंक, तो केमिस्ट्री ऑनर्स से आप पढ़े हो, तो अगर हम ऑप्शनल को डिसर्टेशन की बात करें बीपीएससी में, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है और एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का है, तो क्या सही रहेगा बच्चों को लेना? केमिस्ट्री आराम से निकाल सकते हैं क्वालिफाइंग पेपर में वो? सर एक्चुअली मैंने उसका पेपर तो नहीं देखा है, क्योंकि मैंने 68 का नहीं दिया था, बट आई थिंक केमिस्ट्री उनके लिए हो सकता है हेक्टिक हो जाए अगर उनका सब्जेक्ट बैकग्राउंड नहीं है तो। तो अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं है तो बेटर होगा कि आप कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज करो, वो आपको जीएस और उन सब में भी हेल्प करेगा, मेंस में हेल्प करेगा। ओके okay. अच्छा, अगर हम देखें तो आपने बायजूस एग्जाम प्रेप पर मॉक इंटरव्यू दिए थे, तो क्या यस सर, बेनिफिट आपको मिलता है जब आप मॉक इंटरव्यू देते हो और आप रियल एग्जाम्पल में जाते हो इंटरव्यू देने, कितना बेनिफिट आपको मिला वहां से?
सर, सबसे पहले तो ये कि मॉक इंटरव्यूज देने से थोड़ा डर खत्म होता है, जो हम हमें फेयर होता है कि हम कैसे फेस करेंगे, कैसे बात करना है, वो डर खत्म होता है मॉक इंटरव्यू देने। और प्लस जो क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसका एक आइडिया लगता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रिमेम्बर कर पा रही हूँ कि आपने मुझसे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने उस लाइन्स पे प्रिपेयर किया और मॉक में भी, मतलब जो एक्चुअल इंटरव्यू था उसमें भी मुझे सर ने कुछ वैसे क्वेश्चंस पूछे थे जो कि मैं इजिली आंसर कर पाई थी। तो काफी एडवांटेजेस होता है कि आप मॉक इंटरव्यू दो, राइट, बायजूस वाला तो काफी हेल्पफुल रहा था। ओके फाइन। अगर हम बात करें आपकी आगे, जैसे आप बीपीएससी में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आगे कैसे तैयारी करेंगे अपनी? आगे यूपीएससी का मूड है भी आपका, और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं ऐसे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या एक प्लान बी लेकर उन्होंने बीपीएससी अगर चुना है, उनके बारे में आप कैसे कहें, कैसे कैटर करें यूपीएससी को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मेरा भी मेन फोकस यूपीएससी ही था और बीपीएससी क्लियर हो गया है, तो मैं अभी तो 1 साल आई डोंट थिंक सो कर पाऊंगी क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह होगा तो उसमें टाइम नहीं मिल पाएगा। बट हाँ, मेरा प्लान है कि मैं आगे देना चाहती हूँ। और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं अगर कहूँगी कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप अगर फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कम से कम दिन में 8 से 10 घंटे रोज अगर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर 6 घंटे मिनिमम आपको देना चाहिए प्रिपरेशन को, और फोकस तरीके से प्रिपेयर करना अच्छा, चाहिए। अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, जैसे समय प्रबंधन की बात करते हैं, तो 11 घंटे पढ़ना, बच्चे स्टार्टिंग से समझते हैं कि 11 घंटे पढ़ा जाए, 12 घंटे पढ़ा जाए, वो इम्पोर्टेंट है, या किस तरीके से समय को लोग अपने प्रतिबंधित करें, किस तरीके से उसका प्रबंध करें, जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको कैसे वो प्रतिबंधित करने की कोशिश करें कि हम एक्स्ट्रा टाइम यहाँ दे रहे हैं, कैसे मैनेज करें? आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है टाइम मैनेजमेंट की? सर, टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर इनिशियली इनिशियली 11 घंटे पढ़ना तो इम्पॉसिबल होगा क्योंकि उतना स्टैमिना नहीं हो पाता और उतना फोकस भी नहीं बन पाता। तो बेटर होगा कि आप धीरे धीरे शुरू करो, इनिशियली 5 6 घंटे ऐसे शुरू करो और फिर धीरे धीरे बढ़ा के उसको 8 से 10 घंटे, या फिर अगर आप और पढ़ सकते हो तो 11 12 घंटे कर सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप बहुत सारे ऐप्स आते हैं, जैसे फॉरेस्ट ऐप हो गया, पोमोडोरो ऐप हो गया, तो आप उनको यूज कर सकते हो ताकि आप अपने टाइम ट्रैक कर सको और स्क्रीन टाइम अपना कम कर सको। ओके अच्छा, अगर हम बात करें आपके बेसिकली टाइम मैनेजमेंट को ही लेकर, बच्चे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन दिखाते हैं अपना, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज किया जाए कि सो डैट वो डिस्ट्रैक्ट ना हो सके? सर, अभी तो जैसे हम यूट्यूब भी खोलते हैं तो काफी शॉर्ट्स में टाइम चला जाता है हमारा और हमें पता भी नहीं चलता, हमारा आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम ऐप मैनेजमेंट, जैसे कि मोबाइल में कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आप अगर एक ऐप पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर आप वो सेटिंग अपने फोन में लगा लो तो उससे भी हेल्प होती है, या फिर एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड वाला भी होता है। तो फोन में काफी टेक्नोलॉजी में मतलब उसका यूज कर सकते हैं हम अपने आपको मतलब सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए। और इसके अलावा सर, जितना कम यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि हम उतना ज्यादा पढ़ाई पे फोकस कर सकेंगे। राइट अच्छा, अगर हम बात करें, आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन रेफर करते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी अच्छी है, अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, और जब वो घर पर रह के तैयारी कर रहे होते हैं तो पीडीएफ कलेक्टर बन जाते हैं काफी बच्चे, उधर की पीडीएफ, उस किताब को ले लिया, उस किताब को पकड़ लिया, रिसोर्सेज मल्टीपल रख लिए। क्या कहना चाहेंगे कि सेल्फ नोट्स बनाना जरूरी है या पीडीएफ से ही काम चल जाता है आज की डेट में? आपने क्या किया और किस तरीके से स्टूडेंट्स को करना चाहिए? सर, मैंने तो खुद के नोट्स बनाए थे, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि हम खुद लिख रहे होते तो हमारा ज्यादा कनेक्ट हो पाता है कि हम क्या लिख रहे हैं, और एग्जाम में भी उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं। और पीडीएफ अगर रीड करते हैं तो वो एक तरह से पैसिव मेमोरी होती है, तो हम उसको रिकलेक्ट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और अगर आप इन केस आप सेल्फ नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो पीडीएफ अगर आप कलेक्ट भी कर रहे हो तो अपना सोर्स लिमिटेड रखो, ये नहीं कि बहुत सारे सेम टॉपिक आप अलग अलग जगह से रीड कर रहे हो, आप कोई एक ही टॉपिक रीड करो, उसको मल्टीपल टाइम्स करो रिवीजन, और क्या बोलते हैं उसको, जितना बार आप रिकॉल कर सको उतना बेटर रहेगा। अच्छा, अगर हम मेंस आंसर राइटिंग की बात करें, तो मेंस आंसर राइटिंग में आपने किस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग रखी थी उस बेसिकली अपने लिखने को लेकर? अगर आप आंसर राइटिंग की बात करें तो कैसे कैटर करते थे आप उसको? सर, आंसर राइटिंग के लिए तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया और उसके मॉडल आंसर्स मैंने मतलब खुद से बनाने की कोशिश की, मतलब सैम्पल आंसर्स होते हैं बट मैं उनको ना रीड करके खुद से मैंने आंसर्स लिखने की कोशिश की। और फिर मैंने जो अभी कंटेम्पररी टॉपिक्स हैं
उनका वन पेजर नोट्स बनाया था, तो वो काफी हेल्पफुल रहा था मुझे आंसर राइटिंग करने में। ओके ओके फाइन, थैंक यू सुमन, आप हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप के प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी यात्रा को आपने शेयर किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छा एक तरीके से रेस्पॉन्स दें। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक पोस्ट आपने हासिल किया, तो बिहार सरकार के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन करें। दो लाइन आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो उनको थ्रू आउट जर्नी इनको मोटिवेट कर सके, दो लाइन आप क्या कहेंगे उनके लिए, हमारे बच्चों के लिए? सर यही कहूंगी कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, और अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे अपने आप से, तो आप पक्का सक्सेसफुल होगे। चलिए, थैंक यू सो मच।